आज की वीडियो में हम एक्टिविटी रेशियो पार्ट टू की बात कर रहे हैं। जो रेशियो हमारे लास्ट वीडियो में रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्टिविटी रेशियो के अदर जो रेशियो हैं वो है फर्स्ट टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। ये अपना फोर्थ पॉइंट चल रहा है, लास्ट वीडियो के साथ की बात करेंगे। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिक्स्ड असेट्स आर बीइंग टर्नओवर एस्टेट period, that is how well the fixed asset, this is fixed, now fixed assets are being utilized. तो देखिए, जो total asset turnover ratio है वो यह बताता है कि बेचे गए माल की लागत या शुद्ध विक्रय में बाजार में विनियोजित जो कुल पूंजी अथवा व्यापार में जो विनियोजित पूंजी है वो क्या है, और इसका इसमें डिवाइड करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। और इस अनुपात को कैलकुलेट करने के लिए कुल संपत्तियों में से संस्था में से समस्त स्थायी संपत्ति और समस्त चालू संपत्ति, मीन्स करंट असेट्स और फिक्स असेट्स दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें डेप्रिसिएशन का समायोजन कर दिया जाता है, और यह अनुपात ऐसी संस्थाओं के लिए तो विशेषकर महत्वपूर्ण है जो कि निर्माण कार्य में लगी हुई है, क्योंकि ऐसी जो संस्थाएँ उनमें फिक्स असेट में विनियोग का विक्रय व उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और यह अनुपात जितना अधिक होगा उतने ही प्रबंधन की कुशलता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, यह अनुपात अगर अधिक है तो इसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संस्था की स्थायी संपत्तियों पर क्या कर रही है, अति व्यापार कर रही है। तो इस तरह से यह रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, और इस रेशियो का विक्रय और स्थायी संपत्तियों के बीच सीधा संबंध न होने के कारण कम प्रयोग किया जाता है। अतः इस अनुपात के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते समय विशेषज्ञ को विशेष ढंग से सावधानी लेनी चाहिए कि संस्था में बिक्री का संबंध संपत्ति की अपेक्षा विक्रय विभाग की कार्यक्षमता पर अधिक निर्भर करता है। क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल असेट टर्नओवर रेशियो? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल असेट्स। और फॉर इंसेंटिव स्टडी ऑफ असेट टर्नओवर रेशियो फॉलोइंग अदर असेट टर्नओवर रेशियो आल्सो कैलकुलेट। और भी रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं गहन अध्ययन के लिए। कौन कौन से? फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स असेट। क्लियर? फिर करंट असेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट असेट्स। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल का क्या दक्षता से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यह अनुपात यह बताता है। उसके बाद नेट टेंजिबल असेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट टेंजिबल असेट्स। फिर नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्थ। तो देखिए, एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसकी सहायता से हम इसको अच्छे से और समझ लेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, देखिए सेल्स हमें दी हुई है, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। क्लियर? फिर सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है? सेल्स अपॉन फिक्स्ड असेट्स। चलिए करेंगे एक के बाद एक, इस पर लिख लेते हैं हम। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स अपॉन करंट असेट्स। क्लियर? फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इक्वल्स टू
सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, और फिफ्थ है नेट वर्थ टर्न ओवर रेशियो। क्लियर? कैसे कलेक्ट करना है? सेल्स अपॉन नेट वर्थ। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पर उससे पहले हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी पड़ेंगी। दिस इज़ वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए फिक्स्ड असेट्स। क्लियर? देखिए फिक्स असेट में क्या क्या दिया हुआ हमें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लस लेंगे फिर हम प्लांट एंड मशीनरी, प्लस फर्नीचर, प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो देखिए कितना कितना आ गया, ये रुपीस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ये आ गया हमारे पास रुपीस 1,35,000। ये आ गए हमारे पास फिक्स असेट्स। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स के लिए देखिए स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स प्लस कैश एट बैंक प्लस कैश इन हैंड। ठीक है, देख लीजिए कितना कितना आ गया। स्टॉक दिया हुआ है 15,000, डेटर्स दिए हुए हैं 10,000, बिल रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 4,000, कैश एट बैंक 12,000, और कैश इन हैंड दिया हुआ है 4,000। क्लियर? कितना हो गया ये अमाउंट, रुपीस 45,000। चलिए थर्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे अब करंट लाइबिलिटीज। कैसे कैलकुलेट करना है, सेंड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस टैक्स पेबल प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट पेबल। क्लियर? चलिए देख लीजिए कितना कितना अमाउंट है। सेंडी डेटर्स दिए हुए हमारे पास 10,000 प्लस बिल्स पेबल है 5,000, टैक्स है 4,000, प्रपोज डिविजन दिया हुआ है 4,000, और इंटरेस्ट पेबल है 2,000। कितना हो गया ये रुपीज़ 25,000। चलिए फोर्थ वर्किंग नोट हमारा होगा वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स हमने कैलकुलेट करी 45,000, माइनस करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करी हमने रुपीस 25,000, ये आ गए हैं रुपीस 20,000। क्लियर? चलिए फिर हम कैलकुलेट करेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल
कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है हमें, तो ये हो गया रुपीज़ 50,000 प्लस रिजर्व सरप्लस हो गए 25,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 15,000 इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ही आ गया हमारा नेटवर्थ का 90,000। क्लियर? तो फिक्स एसेट आ गई रुपीज़ 1,35,000, करंट एसेट आ गई रुपीज़ 45,000, करंट लाइबिलिटीज रुपीज़ 25,000, वर्किंग कैपिटल रुपीज़ 20,000 और नेटवर्थ आ गई रुपीज़ 90,000। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं अब टोटल असेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। तो देखिए सेल्स दी हमें रुपीज़ 6 लाख अपॉन टोटल असेट दी हुई है रुपीज़ 1,80,000, ये आ गया 3.33 times। क्लियर? चलिए फिर देख लेते हैं फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो सेल्स दी हुई है 6 लाख, फिक्स हमने निकाली है रुपीज़ 1,35,000, ये हो गया है 4.44 times। क्लियर? करंट असेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन करंट असेट्स इक्वल्स टू सेल्स हमें दी हुई है 6 लाख, करंट असेट्स कैलकुलेट की हमने रुपीज़ 45,000, ये हो गया है 13.33 times। क्लियर? फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए, सेल्स दिया हुआ है फिर हमें 6 लाख, वर्किंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली है रुपीज़ 20,000 वर्स टू 30 times। क्लियर? चलिए नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन नेटवर्थ इक्वल्स टू रुपीज़ सेल्स दी हुई है 6 लाख, नेटवर्थ हमने कैलकुलेट कर लिया है 90,000, ये आ गया 6.67 times। तो इस तरह से जो असेट रेशियो है जो टर्नओवर रेशियो उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ हमें सेल्स दी हुई है, बाय चांस अगर सेल्स नहीं दी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको कैलकुलेट करेंगे।